हो गया ना मैम। ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है संदीप और हम लोग फिर से जुड़ गए हैं आज के 11 AM वाले सेशन में। 10 मिनट लेट हो गया है, 12 मिनट्स पूरा लेट हो गया है हम लोग ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टीज। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इशू हो गया जिसकी वजह से क्लास लाइव नहीं हो पा रहा था। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ओके, एंड आपको पता ही होगा कि आपका जो आज का क्लास है इंग्लिश का वो हुआ नहीं है। ओके, सो कुछ दिक्कत हो गया यहाँ पे जिसकी वजह से इंग्लिश की क्लास नहीं हो पाई। ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और FSSAI का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग बबीता, गुड मॉर्निंग अंशिका। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है आपका Day 7। आज हम लोग देखेंगे आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो क्या है। एनीवन, क्या है आज का नेक्स्ट टॉपिक, क्या हो सकता है? प्रोसेसेस एंड ओवरव्यू ऑफ द स्टैंडर्ड्स, कि स्टैंडर्ड्स कैसे सेट किया। इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, लिमिट सेट किया जाता है, लेकिन कैसे सेट किया जाता है। ओके, ये यहाँ पे जरूरी है। हाँ, फूड साइंस का ही नहीं हुआ, बाकी सब क्लास आज हैं, ठीक है। फूड मैं आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि फूड साइंस का क्लास नहीं हुआ है। कुछ इश्यूज हैं, आपको बहुत जल्दी शॉर्ट्स में मिल जाएंगे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन कुछ इश्यूज हो गए यहाँ पे जिसकी वजह से मैम आज प्रेजेंट नहीं हो पाई और आपका जो क्लास है वो नहीं हो पाया। राइट गाइस, ओके, MCQ बाद में स्टार्ट होगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्लियर गाइस? ओके, मंडे से हाफ एन आवर यहाँ पे थ्योरी और MCQ दोनों रहेंगे। क्लियर? चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय शिवम, हाय विकास। हाँ, इंग्लिश का क्लास होगा आज, इंग्लिश का क्लास है ना, शेड्यूल है ना, तो आज होगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो आज का है Day 7 FSSAI का। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज ओवरव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स कैसे सेट किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो गाइस इस पे ध्यान दीजिए। ओके, सो यहां पर वेरी गुड मॉर्निंग काजल, वेलकम टू द सेशन। कल का PDF नहीं मिला, आई एम रियली सॉरी बंटी, अभी के अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसी क्लास के बाद जो है आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि कल का PDF आपको नहीं मिला है। ओके, सो जैसे आपको पता होगा कि आप लोगों के लिए अड्डा 24/7 लेके आया है 80% डिस्काउंट गाइस। ओके, 80% डिस्काउंट आपको मिल रहा है ऑन द कोड Y291, तो आप यूज कर सकते हैं और कुछ भी परचेस कर सकते हैं, चाहे वो बैच हो, चाहे वो ई-बुक हो, या फिर चाहे वो टेस्ट सीरीज हो। ओके, चलिए, गुड मॉर्निंग रवीना, वेलकम टू द सेशन। सो द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन ऑफ FSSAI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च। ये तो पता है, सिंपल सी चीज है, ऑब्वियस सी बात है यार, जब रिसर्च एंड डिवीजन है, ठीक है, आर एंड डी है, तो रिसर्च तो करेगी ही करेगी ना, ठीक है। सो जो रिसर्च की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, सर्टन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यहाँ पे आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिसर्च में। राइट, नेक्स्ट, पहला है जेनरेट न्यू नॉलेज। क्या फंक्शन है जेनरेट न्यू नॉलेज? अब न्यू नॉलेज किसके रिगार्डिंग? डिफरेंट इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ फूड। ओके, नेक्स्ट, मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्लास करने आए हो, क्लास करो, एकदम PDF के लिए परेशान ना हो जाओ, बिना PDF के भी जिंदगी चलती है और PDF मिल जाएगा। क्लियर? अपडेट एंड अपग्रेड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कीपिंग इन माइंड इट्स कंपैटिबिलिटी विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जब भी फूड स्टैंडर्ड को अपडेट किया जाता है या अपग्रेड किया जाता है, हमेशा ध्यान रखा जाता है दैट इट शुड कंप्लाई विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड ऑल, उसके साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा होगा जो इसके साथ कंपैटिबल नहीं होगा तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो पाएगी। क्लियर गाइस? ओके, If there is any kind of food safety standards that is not in compliance with the international food safety standards, then the international trade will be banned, or not exactly banned or restricted. ठीक है? Clear? Next, आगे बढ़ते हैं। ओके,
ओके सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है आप लोगों का टू कंडक्ट एविडेंस बेस्ड स्टडीज फॉर इंप्रूविंग और बिल्डिंग पॉलिसीज. ठीक है, क्या है यहाँ पे कि एविडेंस बेस्ड स्टडीज करना है किस चीज के लिए, ताकि जो पॉलिसीज हैं ऑलरेडी उसको बेटर बनाया जा सके. क्लियर, आपकी मर्जी, आप चाहे तो देख सकते हो, आपको पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना है तो नहीं देख सकते हो. ठीक है, लेकिन उसका कंटेंट वहां पर डिफरेंट रहता है. टू कंडक्ट एविडेंस बेस्ड स्टडीज. नेक्स्ट अब आ जाता है, ये तो हो गया फंक्शंस किसका, आर एंड डी डिवीजन का. ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन है उसका हो गया. अब हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग अभी इतने दिन से बात कर रहे हैं अबाउट डिफरेंट लैबोरेटरीज, डिफरेंट सर्टिफिकेशन एजेंसीज. ठीक है, तो उसमें एक आता है नोटिफाइड लैबोरेटरीज फॉर क्वालिटी एश्योरेंस. क्लियर, राइट, ओके, गुड मॉर्निंग संगीता, वेलकम टू द सेशन. नोटिफाइड लैबोरेटरीज फॉर किस चीज के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस. एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन. ओके, सो इट्स अ रिक्वेस्ट. सो जो नोटिफाइड लैबोरेटरीज है यहाँ पे, ओके, सो नोटिफाइड लैबोरेटरीज में हमें क्या है, क्या नोटिफाइड लैबोरेटरीज बेसिकली कि जो लैबोरेटरीज यहाँ पे एक्रेडिटेड हैं या फिर नोटिफाई किए गए हैं बाय द FSSAI फॉर द फूड एनालिसिस एंड सर्टिफिकेशन. राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है ये. ओके, सो FSSAI हैज बीन मैंडेटेड इन लेइंग डाउन प्रोसीज्योर एंड गाइडलाइंस फॉर नोटिफिकेशन ऑफ द एक्रेडिटेड लैबोरेटरीज एज पर द ISO 17025. अब ISO 17025 के तहत सारे सर्टिफिकेशन और नोटिफिकेशन होता है फॉर द लैबोरेटरीज. ओके, सो यूजुअली अंडर द ISO 17025 व्हाट हैपेंस इज द नोटिफिकेशन ऑफ द लैबोरेटरीज एंड द सर्टिफिकेशन प्रोसेसेस. ओके, नेक्स्ट नोटिफाइड लैबोरेटरीज फॉर क्वालिटी एश्योरेंस. ओके, सो जो नोटिफाइड लैबोरेटरीज है यहाँ पे उस क्यों नोटिफाई किया जाता है, ताकि जब भी आप फूड एनालिसिस करो या फिर सर्टिफिकेशन लो, सो यू शुड हैव एन एश्योरेंस दैट यू आर गेटिंग द बेस्ट इन द मार्केट. राइट, सो नेक्स्ट द FSSAI नोटिफाइड लैबोरेटरीज आर क्लासिफाइड एज, काफी छोटा पोर्शन है आज का, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है. ओके, द FSSAI नोटिफाइड लैबोरेटरीज आर क्लासिफाइड एज, क्या क्या क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, FSSAI नोटिफाइड NABL एक्रेडिटेड लैब्स, स्टेट लैब्स एंड रेफरल लैब्स. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा तीन टाइप के क्लासिफिकेशन है, तीन टाइप के लैब्स हैं यहाँ पे, एक है NABL एक्रेडिटेड लैब्स, एक है स्टेट लैब्स, एक है रेफरल लैब्स. ठीक है, तो भूलना नहीं गाइस, देर आर इन टोटल देर आर थ्री. ओके, इन टोटल देर आर थ्री क्लासिफाइड, थ्री नोटिफाइड, थ्री टाइप्स ऑफ नोटिफाइड लैबोरेटरीज दैट हैव बीन क्लासिफाइड बाय FSSAI. एंड व्हाट आर दोस, दे आर FSSAI नोटिफाइड NABL एक्रेडिटेड लैब्स, स्टेट लैब्स एंड रेफरेंस लैब्स. क्लियर गाइस, थैंक यू सो मच अंकिता. ओके, हाँ, ओके, सिंपल. नाउ यहीं पे अगर हम लोग सेम देखेंगे, सर ऐप पे क्लास कब से स्टार्ट होगा, ऐप पे क्लास क्या पढ़ाने का तरीका सेम होगा, हाँ यही सब, मतलब क्या पढ़ाने का तरीका, मतलब यहां पर ये नहीं होगा. ठीक है, वहां पे मैं आपको साइड में दिखूंगा और एक वहां पर, राइट, ओके, सो एक मैं आपको साइड में दिखूंगा और वहां पे दूसरा एक चीज आपको बोर्ड दिखेगा जहां पर हम लोग पढ़ेंगे. क्लियर, MCQ करेंगे एस कुमार. ओके, MCQ करेंगे मंडे से MCQ और थ्योरी दोनों ही करेंगे हम लोग. क्लियर गाइस, तो यहां तक क्लियर हुआ, कुछ भी डाउट है यहां पे आप पूछ सकते हो. ओके, किसी भी तरह का डाउट है अभी तक, स्टैंडर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था, आज हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स को कैसे नोटिफाई किया जाता है या फिर एक नया स्टैंडर्ड कैसे बनाया जाता है. ओके, तो अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हो इसके बारे में. क्लियर, क्लासेस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1st of November. नेक्स्ट, क्लियर, और कुछ, नेशनल एक्रेडिटेड बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन. अच्छा, किसी ने NABL का फुल फॉर्म पूछा गया, चलो थैंक यू अनफिनिश्ड ने यहाँ पे पूर्णिमा गुप्ता आपका आंसर ऑलरेडी दे दिया गया है. ओके, हाँ, तो अगर आप भी कर सकते हो तो फिर आपको क्लास अटेंड नहीं करना चाहिए. इसमें है क्या अच्छा ये बताओ गाइस, इसमें मैं क्या ऐसा है जो मैं समझाऊं, पॉइंट ना पढ़ के क्या समझाऊं ऐसा इसमें, मतलब पॉइंट वॉइंट ना पढ़ के क्या समझाऊं मैं यहाँ पे, आप बस ये बता दो मुझे, कुछ है इसमें समझने लायक यहाँ पर. समझने की जरूरत उसे होगी जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहा है, आज 7th डे है क्लास का.
ठीक है, सेवेंथ डे के दिन अगर बोलोगे सर हमें इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या ही बोलूं फिर? ओके बताओ, कंप्यूटर का क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ओके नो, पेड बैचेस वाइट और वाईटी बैचेस के क्लासेस सेम नहीं रहेंगे, वो डिफरेंट रहेंगे। क्लियर? आईएसओ समझा दूं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ, कोई बता सकता है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वेरी गुड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स, राइट? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स ही है ना आईएसओ, या फिर और क्या है? ओके चलो ठीक है, मैं बता देता हूं, एक बार बताता हूं। जहां पर एक जेन्युइन डाउट होना है गाइस, देखो जहां पर जेन्युइन डाउट हो वहां पे मैं 100% आपका डाउट का आंसर दूंगा, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, लेकिन आपका जो डाउट है वो जेन्युइन होना चाहिए। अभी साइंटिफिक पैनल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको सेशन ले लिया है, यहां पे कमेंट स्पैम मत करो, मैं पक्का ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, जो मैंने दिया है वो FSSAI की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ओके, अगर आप कुछ डिफरेंट बता रहे हो तो काइंडली प्रोवाइड द लिंक, कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो तो लिंक प्रोवाइड करो, सोर्स प्रोवाइड करो। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके वेरी गुड रितिका एंड नेहा, क्लियर? हवा नहीं लगेगा तो हवा आप प्रोड्यूस कराइएगा और क्या, जस्ट जोकिंग। ओके एस कुमार, एमसीक्यू जो है नेक्स्ट टाइम होगा मंडे से आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं गाइस। ठीक है, मंडे से एमसीक्यूज विद थ्योरी, बिना थ्योरी के भी एमसीक्यूज कराऊंगा तो यार कोई फायदा नहीं होगा, राइट? आइए, सो जो FSSAI नोटिफाइड लैबोरेटरीज हैं वो NABL एक्रेडिटेड है, या फिर स्टेट लैब्स हैं, या फिर रेफरल लैब्स हैं। क्लियर गाइस? यहां तक क्लियर हो गया कि जो लैबोरेटरीज हैं उनके टाइप्स क्या हैं यहाँ पे? ओके, एंड वो कौन से आईएसओ सर्टिफिकेट, ये याद रखिएगा, ये नंबर जरूरी है कि कौन से आईएसओ सर्टिफिकेशन के अंडर आपको ये सब चीज का जो लैबोरेटरीज का कैलिब्रेशन वगैरह है, या फिर जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं उनको यहाँ पे सर्टिफिकेशन देने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, देखो प्रोडक्ट 100 अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, लेकिन जब आपको एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन का लोगो मिलता है ना, मान लीजिए FSSAI हो गया, या फिर सोने पे BIS हॉलमार्क हो गया, ठीक है, तो उसी तरह ISO का जो ISO हो गया, FSSAI हो गया, तो इनका जब लोगो मिलता है ना, एक आता है समझ में कि हाँ दीज प्रोडक्ट्स आर गुड, आर ऑथेंटिक इन द मार्केट। ठीक है, इनमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं है, तभी तो FSSAI का लोगो दे रखा है, राइट? क्लियर गाइस? यही तो दिक्कत है, आप लोग लेट आ जाते हो ना, तभी समझ में नहीं आता है। ओके कहां लिखूं, यहां लिखता हूं NABL, नेशनल क्या है बताओ, जो लोग ऑलरेडी क्लास अटेंड किए हो बताओ जरा। तपन सुनो, आपको जो कोड पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिला आप वो अप्लाई करो, यहाँ पर इस 80% का डिस्काउंट मिलेगा आपको Y291 का। ठीक है, अब कोई मैम पता नहीं क्या कॉल कर रही है, तो यार ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना भरोसा कर सकते हो कि आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। TM77 उसमें तो लिखा हुआ है कि 77% डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? चलो एनीवेज बता दो, वेरी गुड। देखें पहला आंसर किसका है, नेहा, वेरी गुड। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, ठीक है, ओके, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन लैबोरेटोरीज, ओके लैबोरेटोरीज,
क्लियर गाइस, एनएबीएल का क्लियर हो गया। रेफरल लैब मीन्स, ओके ये समझा देता हूं, ठीक है। देखो, एक तो है एफएसएसआई डायरेक्ट नोटिफाइड करता है कि एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब्स है। एनएबीएल क्या है? एक नेशनल, देखो पहली बात, एनएबीएल है क्या? एनएबीएल इज अ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, ठीक है, जो एक्रेडिटेशन देता है या फिर एक्रेडिट करता है कि सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। नाउ किसको एक्रेडिटेशन करता है? जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को एक्रेडिटेशन देता है। तो ये किसको देता है एक्रेडिटेशन? ये देता है टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन लैबोरेटरीज। मतलब देख लो, एनएबीएल के फुल फॉर्म के अंदर एनएबीएल का पूरा मीनिंग आपको पता चल जाएगा, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर किसके लिए यहां पे है? टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन लैबोरेटरीज। क्लियर गाइस? ओके, ये है एनएबीएल का फुल फॉर्म, ये रहा आईएसओ का फुल फॉर्म। ओके, अच्छा, सॉरी, राइट सॉरी। टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, क्लियर? ओके, सो सर्टिफिकेशन लिख दिया था मैंने गलती में, माय मिस्टेक। नेक्स्ट, तो ये हो गया यहाँ पे स्टेट के बारे में। दूसरा है स्टेट लैब्स, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हैं, स्टेट लैब्स होते हैं। ओके, तीसरा होता है रेफरल लैब्स। रेफरल लैब्स वो होते हैं जो यूजुअली गवर्नमेंट, मान लीजिए जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, तो क्या होता है, कुछ यहाँ पे रेफरल पैथोलॉजी लैब्स होते हैं। अब ये रेफरल पैथोलॉजी क्या होता है, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जाते हो, वो बोलते हैं कि टाइम लगेगा, आपके पास टाइम नहीं है, तो वो कह सकते हैं कि हाँ, सो एंड सो दीज आर द रेफरल पैथोलॉजी लैब्स, ठीक है। पैसे आपको ऑब्वियसली ज्यादा लगेंगे वहां पे, ठीक है, टेस्ट करवाने का, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिलेगा उस पे आप भरोसा कर सकते हो कि आपको सही से रिजल्ट मिल रहा है, किसी भी तरह का उसमें गलत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, वेरी गुड काजल, वेरी गुड। ओके, लैब्स विच आर नॉट एनएबीएल एक्रेडिटेड बट यस इट इज दे आर सर्टिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी, कि आप वहां पर जाके अपना जो टेस्टिंग है वो कर सकते हो। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, FSSAI स्टैंडर्ड्स, ओके, FSSAI स्टैंडर्ड्स। FSSAI स्टैंडर्ड्स अगर आप देखोगे तो जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं, यहां पे आते हैं पेस्टिसाइड रेसिड्यूस, मेटालिक कंटामिनेंट, प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सिंगल पॉइंट एक्सेस फॉर लाइसेंसिंग एंड इंपोर्ट्स, अलग अलग कंटामिनेंट्स, फूड कैटेगरी कोड, एचएस कोड एंड ऑल परमिटेड फूड एडिटिव्स। तो ये सब जो है इंक्लूड होता है इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स का क्विक एक्सेस में, ठीक है। जब भी आप ये वाला IFSQA देखोगे, इसका फुल फॉर्म है IFSQA का, इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स क्विक एक्सेस। यहाँ पे आपको पता चल पाएगा कि क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे मैटर करती हैं जब भी हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं या फिर जब भी हम कोई प्रोडक्ट की सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। ओके, सो द इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स और क्विक एक्सेस सिस्टम कोलेट्स एंड कैटेलॉग्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म वेयर अ यूजर कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो बना है ना IFSQA, इसमें जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ये इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, कि उसमें कितने एडिटिव होने चाहिए, उसमें कितने पेस्टिसाइड होने चाहिए, क्या होने चाहिए। ओके, ओके, सो सब कुछ जो है यहां पर क्या है, राइट, ओके, ऑलरेडी मेंशन्ड होता है, तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा इसके बारे में। ओके, टाइम मिलेगा आपको डाउट पूछने के लिए, तो थोड़ा सा शांत रह के यहाँ पे क्लास कर लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स फ्रेम्ड बाय FSSAI आर प्रेस्क्राइब्ड अंडर, जो स्टैंडर्ड्स यहाँ पे FSSAI फ्रेम करता है वो किसके अंडर यहाँ पे प्रेस्क्राइब होता है? पहला, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011। जैसे याद है मैंने आपको जेनेसिस में बताया था कि जो पहला एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 2008 में हुआ था, उसके बाद 2011 में पूरा कंप्लीट न्यू रेगुलेशंस के साथ, न्यू एक्ट्स के साथ FSSAI दोबारा से काम चालू किया था। ओके, 2011 में। क्लियर गाइस? सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011, जहां पे फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स के बारे में मेंशन किया गया है। दूसरा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स जहां पे पैकेजिंग एंड लेबलिंग के बारे में मेंशन किया गया है। अरे यार,
तीसरा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, जहां पे कंटामिनेंट्स, टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यूज के बारे में मेंशन किया गया है। सो टोटल आप देख पा रहे हो यहाँ पे तीन है, ठीक है, टोटल तीन एक्ट्स हैं या फिर तीन रेगुलेशंस हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और तीनों रेगुलेशन में जो सब्जेक्ट मैटर है वो अलग अलग है। पहला रेगुलेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फूड प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है और कितना एडिटिव आप डाल सकते हो एक फूड में उसके बारे में रेगुलेशंस बनाए गए हैं। दूसरा अगर देखोगे तो यहाँ पे पैकेजिंग और लेबलिंग से रिलेटेड आपको किस तरह से पैकेज करना है। अच्छा, कितने लोगों को पता है, कोई मुझे कह सकता है कि आइडियली ऑयल का पैकेजिंग कंटेनर क्या होना चाहिए, ऑयल किस चीज में पैक कर होना चाहिए, आइडियल पैकेजिंग कंटेनर फॉर ए ऑयल? बताओ, बताऊंगा एक स्लाइड, हमेशा थोड़ा सा वेट करो, एक स्लाइड कंप्लीट होने के बाद आप लोग अपना डाउट पूछो, ठीक है? आप वीडियोस देख लो, मैं कभी डाउट का आंसर देने से तो मना नहीं करता हूं, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, राइट? क्लियर? हाँ, तो अमिताभ नेक्स्ट बताओ कि क्या मतलब है यहां पे, मैं क्या पूछा यही भूल गया। ऑयल का आइडियल पैकेजिंग कंटेनर क्या होता है? टिन पॉलिथिन ग्लास बॉटल, वेरी गुड सुब्रत चक्रवर्ती, ठीक है, ग्लास बॉटल, ठीक है यार, ग्लास बॉटल होता है, ठीक है, रितेश ग्लास, वेरी गुड, अंकिता ग्लास, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो जो मेन जो आइडियल कंटेनर होता है ना वो ग्लास होता है, लेकिन फिर ग्लास में क्यों पैकिंग नहीं होती है, कोई बता सकता है ग्लास में पैकिंग क्यों नहीं की जाती है? अगर आइडियल कंटेनर है तो ग्लास में पैकिंग क्यों नहीं किया जाता है? एनीवन? मैं रीजन बताऊंगा क्यों ग्लास क्यों होना चाहिए, बताओ। क्यों नहीं किया जाता है ग्लास के कंटेनर में पैकिंग, इफ ग्लास इज द आइडियल कंटेनर फॉर ऑयल? और मुझे यह भी बताओ कि क्यों ऑयल इज आइडियल, ठीक है, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं सर टीन होगा, तो क्यों ऑयल इज आइडियल, व्हाई ऑयल इज आइडियल? वेरी गुड, ग्लास ब्रेक हो जाएगा, रिस्की है, हैंडलिंग में इश्यू आएगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट तो कि कॉस्ट बढ़ जाएगा ऑयल का, हैंडलिंग में दिक्कत होगा, ब्रेकेज होने के चांसेस यहां पर ज्यादा रहे, महंगा होगा शायद, वेरी गुड, ठीक है, एकदम सही चीज है, ठीक है, महंगा हो जाता है, काफी महंगा हो जाता है जब ग्लास के कंटेनर में आपको कोई पैक करके देता है। और मान लीजिए आप 5 लीटर का तेल लेके आ रहे हो टीन की जगह, नॉर्मली टीन में मिलता है ना, टीन की जगह 5 लीटर का ऑयल ग्लास में लेके आ रहे हो, तो फिर यार बताओ इज इट फिजिबल? आज के टाइम पे ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि हैंडलिंग चार्जेस और ब्रेकेज के वजह से बहुत ही ज्यादा प्राइस यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सो वेरी गुड गाइस, ओके, अनदर थिंग, ओके। तो फिर जो नॉर्मली आता है, मान लीजिए 1 लीटर का पैकेट या 1/2 लीटर का पैकेट आता है पॉलिथिन में, ठीक है, उसके बाद बाकी 1 लीटर तक जो है आपका पैकेट आता है प्लास्टिक के बॉटल में, ओके, 5 लीटर का पैकेट आपका टिन में आता है, ठीक है, उसके ऊपर 5 लीटर एंड 5 लीटर से ऊपर आपको टिन कंटेनर्स में मिलेगा, राइट? सो उसमें क्या दिक्कत होता है, ग्लास में क्यों रखना चाहिए, इसमें रखने से क्या दिक्कत होता है? एनीवन? ग्लास में क्यों रखना चाहिए, इसमें रखने से क्या दिक्कत होगा? एनीवन? ग्लास में रखने से और इसमें रखने से क्या दिक्कत होगा? एक साइंटिफिक चीज है, एनीवन गाइस? ऑक्सीडेशन, सुना है ना, ऑयल रैंसिड हो जाता है, ऑयल का जो टेस्ट होता है ना वो खराब हो जाता है, लेकिन उसके लिए फिर टीन और प्लास्टिक में रहता कैसे है अगर खराब हो जाता है? तो मेजोरिटी तो प्लास्टिक और टीन में ही बिकता है ना। अब बताओ, बहुत आप लोग डाउट पूछ रहे थे, अब ना मैंने पीपीटी छोड़ दी है, ठीक है, अब मैंने पीपीटी छोड़ दिया है, ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अगर रैंसिड हो जाएगा, अगर टेस्ट खराब हो जाएगा, तो फिर प्लास्टिक और टिन में कैसे बिकता है ऑयल?
वेरी गुड सुब्रत, वेरी गुड हेमंत, किसी वेरी गुड अंजना, किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होगा ग्लास में. वेरी गुड रणबीर, रबेर रस्टिंग होती है टीन में आफ्टर ओपनिंग, तो फिर खराब क्यों नहीं होता है बताओ. मैंने अभी आपको बताया कि रैंसिड हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो फिर खराब होता क्यों नहीं है. बिकता तो है प्लास्टिक में, बिकता तो है पॉलिथिन में, बिकता तो है टिन में, तो खराब क्यों नहीं होता है. वेरी गुड वेरी गुड. आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संदीप. सोहम, काजल, अमृता, लालू यादव एंड रकमेंडर, रकमेंडर नाम है, ठीक है. सो टेल मी व्हाई इट इज नॉट, देन हाउ कम द ऑयल इज नॉट स्पॉइल्ड इन केस ऑफ प्लास्टिक्स और टिन्स और पॉलिथिन्स. वेरी गुड राघव, वेरी गुड, ठीक है. तभी से तो पढ़े जा रहे हैं, पूरा एफएसएसआई उसी चीज पे है, प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है. पूरा जो एफएसएसआई है ना वो उसी पे है, प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है. यस, प्रिजर्वेटिव ऐड होता है तभी तो खराब नहीं होते हैं. लेकिन जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं, अगर आप देखिएगा बहुत जगह पे, जैसे कोकोनट ऑयल की अगर मैं बात करूं, ठीक है. सो कोकोनट ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, जो ग्लास में मिलता है, जो आपको मार्केट में मिलता होगा ना, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन ग्राउंडनट ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल, देखिएगा उसमें प्रिजर्वेटिव ना या तो बिल्कुल नहीं होंगे या फिर बहुत कम होंगे. और वो लोग यूजुअली ग्लास बॉटल में पैक्ड होंगे. क्यों? क्योंकि ग्लास बॉटल में जल्दी खराब नहीं होता है ऑयल, ठीक है. इसलिए प्रिजर्वेटिव्स की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है. लेकिन बाकी चीजों में ऑयल बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ती है उसमें. ओके, या समथिंग लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स. ओके, सो देयर आर सो मेनी प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, जो ऐड किए जाते हैं फॉर टू स्टॉप डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस. ओके, गुड मॉर्निंग अदालत का अदालत. ओके, सो यहां पे तो ये तीन आपको समझ में आ गया, येस और नो बता दो फटाफट. ये तीन समझ में आ गया, तीन 2011 के रेगुलेशन है जहां पे अलग अलग चीजें आते हैं. एक में फूड आपके स्टैंडर्ड्स और फूड एडिटिव्स के बारे में आता है, दूसरे में आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग के बारे में आता है, तीसरा आपका आता है कंटामिनेंट टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यूज के बारे में. ओके, यस, ग्लास बॉटल में ऑब्वियस सी बात है कि चीजें एक्सपेंसिव हो जाएंगी ग्लास बॉटल में, नो डाउट अबाउट दैट. ओके, ओके, नेक्स्ट और कुछ चीजें बता देता हूं. फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, इसमें आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आया होगा एंड आई थिंक मुझे कुछ डाउट भी यहां पे दिखे थे. सो व्हाट इज एचएस कोड, एनीवन, व्हाट इज एचएस कोड? जगह ही नहीं है लिखने के लिए. हाँ, ये रहा एचएस कोड, ये आपको एक बार कोड की तरह दिख रहा है. दिस एचएस कोड हियर लुक्स लाइक अ बार कोड, इजंट इट? Right? This HS code here looks like a barcode. So what exactly is HS code? What does it mean? So what does HS code mean here? So HS simply means harmonized. क्या है? System है या standards है? Harmonized system या standards क्या है? वेरी गुड, ठीक है. नहीं, कोई दूसरा बता रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, ये नहीं है. चलो, सो हार्मोनाइज्ड सिस्टम. अच्छा, ये हार्मोनाइज्ड सिस्टम जो है, इसे पता क्या चलता है? इस बार कोड से आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जब ये स्कैन किया जाएगा, ठीक है. ये यूजुअली जो हार्मोनाइज सिस्टम है या फिर जो एचएस कोड है, इसको यूज करते हैं बहुत सारे फूड रेगुलेशन अथॉरिटी. हमारे कंट्री की बात करें तो कौन यूज करता है? एफएसएसएआई. ये डायग्राम, रूको का डायग्राम, सारे के सारे मैं यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है ना, वहां पे शेयर कर दूंगा, ठीक है. आप लोग वहां से इस डायग्राम को देख सकते हो बहुत ही क्लियर तरीके से. क्लियर? वेरी गुड गाइज, वेरी गुड. काजल, रहबीर, आसमान, बहुत लोग आंसर दे चुके हैं, ठीक है. इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा स्लाइड के एंड तक वेट करो, ठीक है. मैं हर स्लाइड के एंडिंग में आपसे पूछूंगा कि कुछ डाउट है, कुछ आपने नहीं समझा, तब पूछना, ठीक है. एकदम, मतलब सारे चीजों के आंसर दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट. क्लियर? सो इसको, अरे यार,
इसको ना यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन में, जो भी प्रोडक्ट को ट्रेड किया जाता है उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन इस बारकोड से आपको मिल सकता है, एंड दिस इज नोन एज HS कोड। ये यूजुअली ट्रेडिंग में ही यूज किया जाता है, जब भी कोई प्रोडक्ट की ट्रेडिंग की जाती है, सो HS कोड जो है एक हेल्प करता है जानने में प्रोडक्ट के बारे में, उसके क्लास के बारे में, उसमें क्या है क्या नहीं, सब कुछ जो है यहां पर आपको पता चल जाएगा। क्लियर? हाँ, यू कैन से स्टैंडर्ड नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट, HS as a commercial invoice, no, I don't think it's like a commercial invoice, okay, it's more like a product description, ठीक है, आप इसको एक product के description की तरह treat कर सकते हो, rather than a commercial invoice, clear, चलो, आगे बढ़े, harmonized meaning, यार, harmonized का कोई हिंदी में meaning बता दो यार, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, harmony का मतलब क्या है, मैं बताऊं तो फिर everything एक synchrony में, मतलब एक समान, एक साथ, ठीक है, एक साथ इस तरह से, नाइट में अभी कोई क्लास नहीं है मेरी, क्लियर, गुड मॉर्निंग संजना, वेलकम टू द सेशन, अंडरस्टूड विकास, हार्मोनी का मतलब समझ में आया, एक साथ यही है ना, ओके, नेक्स्ट, बता दो अगर यार कोई गलत वलत हो जाए तो बता दिया करो। सो नेक्स्ट आता है फूड प्रोडक्ट्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर FSSAI स्टैंडर्ड्स, FSSAI स्टैंडर्ड्स के में स्टैंडर्ड्स जो है, ओके, या इट्स लाइक अ बारकोड, ओके, नेक्स्ट, फूड प्रोडक्ट्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर FSSAI स्टैंडर्ड, FSSAI स्टैंडर्ड्स के तहत कौन से वो फूड प्रोडक्ट हैं जिनको प्रेस्क्राइब किया जाता है, व्हाट आर द फूड प्रोडक्ट्स, पिछले वाले स्लाइड में सबका डाउट क्लियर, किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, फूड प्रोडक्ट्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर FSSAI स्टैंडर्ड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एनालॉग्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालॉग्स, एनालॉग्स का मतलब क्या है गाइस, एनालॉग्स का मतलब है सिमिलर, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट और उसी से रिलेटेड, सिमिलर या रिलेटेड, ओके, क्लियर, रिलेटेड फैट्स ऑयल्स एंड फैट इमल्शंस, फैट इमल्शंस क्या है यहां पे, फैट इमल्शंस मतलब यहां पे एक फैट का ये फॉर्म है जो यूजुअली यूज किया जाता है उन लोगों में जो लोग फैट, मतलब फैट को ना उनके उनकी बॉडी फैट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है, कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं जिसमें बॉडी फैट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, वहां पे फैट इमल्शन डायरेक्टली इंजेक्शन की तरह दिया जाता है ताकि बॉडी में फैट जाए और डे टू डे प्रोसेस के लिए जो हमें फैट की जरूरत है वो यहां से फैट इमल्शन से जो है पूरा हो पाए, ओके, नेक्स्ट, Where to get the PDF of this lecture? Kindly join the Telegram channel of Agriculture Adda 24/7. Agriculture Adda 24/7. Clear? Okay, so इसको join कर लीजिएगा, यहाँ पे सारे PDFs आपको मिल जाएंगे. Means products with FSSAI logo are safe for health. हाँ, देखो एक और चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये बात कि जब आप एक प्रोडक्ट को एक बार दो बार कंज्यूम करते हो इट इज फाइन, आप बोलोगे मैं रोज यहां पे बिरयानी खाऊंगा, रोज यहां पे चिप्स खाऊंगा, रोज यहां पे कोक पीऊंगा, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स पीऊंगा, तो इस तरह से अगर आप रोज एक चीज को रिपीट करोगे देन ऑब्वियसली इट विल क्रिएट हेल्थ, आपका जो सेहत है वो खराब कर देगा, राइट, सो उसके लिए क्या किया जाता है कि आपको हर चीज को कंट्रोल में यूज करना है, FSSAI लोगो का मतलब ये है कि जो भी यहां पे लिखा हुआ है वही चीज प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी प्रिजर्वेटिव हद से ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एडिटिव हद से ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, क्लियर, नेक्स्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लाइक सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं, फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी, स्वीटनिंग एजेंट्स इंक्लूडिंग हनी, सॉल्ट, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स एंड स्वीटनिंग एजेंट्स मतलब चीजों को मीठा करने के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं, दूसरी चीजें उन्हें कहा जाता है स्वीटनिंग एजेंट्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस अदर देन डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल बेस्ड, मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, ठीक है, अदर फूड प्रोडक्ट एंड इंग्रेडिएंट्स, दूसरे जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं यहां पे,
प्रोप्रिटरी फूड ना, व्हाट इज अ प्रोप्रिटरी फूड? प्रोप्रिटरी फूड वो होते हैं जो डायरेक्टली कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन के तहत नहीं आते हैं. इनके लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड फॉर स्पेशल डायट्री यूज, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस, फंक्शनल फूड या नोवेल फूड. नोवेल फूड का मतलब है न्यू फूड, कुछ नया फूड आया है मार्केट में. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट यहाँ पे फूड फॉर स्पेशल डायट्री यूज, स्पेशल मेडिकल पर्पस, जैसे आते हैं ना हेल्थ ड्रिंक्स आते हैं, हॉर्लिक्स वगैरह जो आप डायबिटीज के लिए यूज कर सकते हो, ओमेंस हॉर्लिक्स आते हैं. ठीक है, सो उसी तरह यहाँ पे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कुछ स्पेशल यूज, स्पेशल पर्पस के लिए आते हैं, हेल्थ कोई भी हेल्थ ड्रिंक हो गया, ये सब चीज होते हैं ना, इनके लिए सब जो जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन इनके लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट. इसमें सब कुछ क्लियर? कुछ ऐसा तो नहीं है जो समझ में नहीं आया? लास्ट है इरेडिएशन ऑफ फूड. ओके, फूड में रेडिएशन किया जाता है टू किल मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इरेडिएशन ऑफ फूड एक्सेस नहीं होना चाहिए. एक्सेस होने से वो कैंसरस प्रॉपर्टीज क्रिएट करेगा. क्लियर? नेक्स्ट, द डेवलपमेंट. अब आता है मेन प्रोसेस, किस तरह से एक स्टैंडर्ड को बनाया जाता है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स इज अ डायनामिक प्रोसेस, मतलब चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम, स्टेबल नहीं है. ठीक है, एक जैसा नहीं रहता है. यहाँ पे समय के साथ साथ जो ये फूड स्टैंडर्ड हैं वो चेंज होते रहते हैं. ठीक है सर, इफ देर इज नो लोगो ऑफ FSSAI इन फूड प्रोडक्ट्स इज इट हार्मफुल? नॉट एग्जैक्टली श्वेता, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इट इज हार्मफुल, बट वी कैन से दैट कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस FSSAI ने बोला है, ठीक है, जैसे इतना प्रिजर्वेटिव डालना है, इतना एडिटिव डालना है, तो हो सकता है वो लोग उसको ना मान रहे हों. ठीक है, जितने भी मान लीजिए आपको कोई कोल्ड ड्रिंक्स मिला, ठीक है, लोकल कंपनी का, और उसमें कोई FSSAI का लोगो नहीं है, तो कोई गारंटी नहीं है कि जो कंटेंट लिखा है वो सही है, जो लेबल में दे रखा है वो एकदम सही है, कोई गारंटी नहीं है इसका. ठीक है, और दूसरी बात क्या है, FSSAI के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स में एक एक्स नाम का प्रिजर्वेटिव है, वो 2 मिलीग्राम होना चाहिए. हो सकता है कि 2 मिलीग्राम की जगह ये 5 मिलीग्राम हो, और 5 मिलीग्राम करने की वजह क्या है, 6 महीने की जगह आप 8 महीने 9 महीने तक इसको प्रिजर्व कर सको. ठीक है, तो अगर कहीं पे FSSAI का लोगो नहीं है, इसका मतलब वो जो जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको नहीं मान रहे हैं. ठीक है, जिसके लिए उनको पेनल्टी भी भरना पड़ सकता है गाइस. क्लियर? नेक्स्ट सर, तो क्या प्रोप्रिटरी फूड का लेबलिंग FSSAI नहीं करता है? यस, करता है, लेकिन उसके लिए अलग रूल्स हैं. प्रोप्रिटरी फूड का मतलब जो जनरल फूड के रूल्स एंड रेगुलेशन है फूड सेफ्टी के, वो उनके लिए लागू नहीं होते हैं. व्हाट इज फंक्शनल फूड्स, कहां चला गया? ये रहा व्हाट इज फंक्शनल फूड्स, जो आप कोई स्पेसिफिक चीज के लिए यूज कर रहे हो, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज कर रहे हो, दीज आर टर्म्ड एज फंक्शनल. जितने भी यहां पे देख रहे हो ना, हेल्थ सप्लीमेंट्स, फंक्शनल फूड, स्पेशल डाइटरी यूज, स्पेशल, मैं थोड़ा हट जाता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे दे, ठीक है, कि स्पेशल यहां पे जो नोवेल फूड है, मतलब कोई नया फूड आया है मान लो. ओके, सो इन चीजों को यूजुअली जो जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको यूज नहीं किए जाते हैं. क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट. हाँ, फंक्शनल फूड का तो, हाँ तो इसका फंक्शनल फूड भी इसमें इंक्लूड होगा. क्यों? क्योंकि मान लो कोई ऐसा फूड है जो थोड़ा आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, तो हम उसको एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा है. तो ये सब चीजें जो है नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं. ओके, यस, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ FSSAI लोगो मीन्स प्रोडक्ट इज नॉट टोटली सेफ. क्लियर? नेक्स्ट. क्लियर अमृता, फंक्शनल फूड्स, एंड श्वेता? ठीक है, नेक्स्ट. फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड, अब आ जाते हैं पहला पॉइंट. द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 इंक्लूड सेवरल स्टेजेस. क्या है ये स्टेजेस? पहला, अच्छा, ड्राफ्ट. ड्राफ्ट का मतलब क्या है? जब भी आप कुछ तैयार करते हो, लिखावट या फिर कोई भी स्टेटमेंट तैयार करते हो, जो यहाँ पे क्या नहीं है, फाइनल नहीं है, मतलब उसमें कोई चेंजेस हो सकता है, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं ड्राफ्ट. आपको अगर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, आप अपना मेल आई डी खोलते हो, वहां पर लेफ्ट में ड्राफ्ट होता है. जब आप कोई मैसेज टाइप कर रहे हो और उसको सेंड किए बिना छोड़ देते हो, तो वो यहाँ पे ड्राफ्ट में रह जाता है. इसका मतलब मैसेज को अभी तक सेंड नहीं किया गया है, मैसेज में चेंजेस किया जा सकता है. ओके,
ठीक है सुब्रत, बताता हूँ, ठीक है, इरेडिएशन फूड भी बताता हूँ, जरा जरा वेट कर लो, एक दो मिनट फिर मैं बताता हूँ। हमारे पास टाइम की कमी हो गया है, तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, और अगर कोई डाउट रह जाता है ना तो आज 3:30 बजे क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट यहाँ पे रह जाता है, जैसे सुब्रत आप पूछ रहे हो, श्वेता आप पूछ रहे हो, ठीक है, सो हम लोग जो है 3:30 बजे उसको क्लियर करेंगे। प्लीज अपना डाउट नोट करके रख लेना, लेकिन पहले टॉपिक भी कंप्लीट करना जरूरी है, राइट। सो ड्राफ्ट का मतलब है आफ्टर द ड्राफ्ट स्टैंडर्ड। ड्राफ्ट स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड को लिखा जाता है कि सो एंड सो स्टैंडर्ड हमें इंट्रोड्यूस करना है। कौन लिखते हैं? फूड अथॉरिटी लिखते हैं, टेक्निकल कमिटी लिखते हैं, साइंटिफिक पैनल्स लेते हैं, ओके। सो द ड्राफ्ट स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड टू द फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी को दिया जाता है ड्राफ्ट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, वो किसको बताया जाता है? फूड अथॉरिटी को बताया जाता है। आफ्टर कंसिडरेशन बाय द फूड अथॉरिटी द ड्राफ्ट स्टैंडर्ड इज पब्लिश्ड और नोटिफाइड फॉर इनवाइटिंग स्टेक होल्डर कमेंट्स, ठीक है। सो एक बार फूड अथॉरिटी ने कंसीडर कर लिया, तो उसके बाद जो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड है उसको पब्लिश किया जाता है या फिर नोटिफाई किया जाता है, किस चीज के लिए? स्टेक होल्डर का कमेंट आ सके ना। हु आर द स्टेक होल्डर्स? कंज्यूमर्स। थोड़ा नीचे है इसलिए हैंडराइटिंग बड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में। बिजनेस ऑपरेटर्स, ठीक है। इसके अलावा और कौन है यहाँ पे? जो लोग मार्केट में इन्वॉल्व हैं, जो लोग कंपनी में शेयर होल्डर हैं, ठीक है, उनकी राय ली जाती, उनका ओपिनियन या उनकी राय ली जाती है कि क्या ये सही है, ठीक है, क्या यहाँ पर जो भी यहाँ पे आप स्टैंडर्ड्स ड्राफ्ट बना के दिया गया है, क्या इसमें कोई दिक्कत है, ये पूछा जाता है, उनका ओपिनियन, ठीक है। रोशन, इसका सिलेबस के लिए FSSAI अड्डा 24/7 FSSAI सिलेबस सर्च करो, आपको मिल जाएगा, मैं ऑलरेडी सेशन बना चुका हूँ। Since India is a signatory to the WTO SPS agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures committee, draft standard is also notified in WTO. ठीक है, WTO SPS क्या है? World Trade Organization में एक agreement है, ठीक है, agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures. ठीक है, सो sanitary का मतलब क्या है? Clean, okay, to keep everything clean, okay, so keep everything सेफ, क्लियर। नेक्स्ट, तो ये हो गया। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि WTO में जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग WTO को भी नोटिफाई किया जाता है कि हम ना एक ऐसा चेंज ला सकते हैं, ओके, हम जो है एक ऐसा चेंज ला सकते हैं। कैसा चेंज? एक नया स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं। तो क्या ये इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूछता है FSSAI, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब सब लोग यहाँ पे हाँ, जब सब लोग ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि एकदम सही है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, तो यहाँ पे क्या है? सर, बैंक रिलेटेड डेटा असिस्टेंट में आएगा? नहीं, बैंक रिलेटेड डेटा क्यों आएगा असिस्टेंट में? देयर आफ्टर कंसिडरिंग द कमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स स्टैंडर्ड इज फाइनलाइज्ड एंड नोटिफाइड इन गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है। गैजेट ऑफ इंडिया में ये जो स्टैंडर्ड है इसको नोटिफाई किया जाता है, बता दिया जाता है पूरे पब्लिक को कि एक नया स्टैंडर्ड यहां पे आ गया है। क्लियर गाइस, समझ गए सब लोग? समझ गए सब लोग? ओके, नेक्स्ट। ओके, सो कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, अगर कंज्यूमर को कोई कंप्लेन है तो कंज्यूमर क्या करेगा? उसके पास एक टोल फ्री नंबर है 1800112100, कंज्यूमर इस पे कॉल करके अपना कंप्लेन दे सकता है। क्लियर श्वेता, अगर FSSAI का मार्क नहीं है इसका मतलब इलीगल मार्केटिंग भी हो रहा है, और इसका मतलब कोई भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में ऐसा रिस्क कोई लेता नहीं है FSSAI के मार्क के बिना यहाँ पे जो है प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रहा है। ओके, देन ग्रीवेंसेस कैन ऑल्सो बी रिपोर्टेड थ्रू फूड सेफ्टी कनेक्ट, ठीक है। देख लो, फूड सेफ्टी कनेक्ट नाम का ये वेबसाइट है, मैंने पूरा वेबसाइट का स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखा दिया है यहाँ पे। कंज्यूमर रजिस्टर लॉगिन, फूड बिजनेस लॉगिन, फैक्स, जेनरिक क्वेरीज, सब कुछ जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कंप्लेन को आप ट्रैक भी कर सकते हो अपना, ठीक है, अपना जो कंप्लेन है आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो। ये सारे के सारे पिक्चर्स आपको कम्युनिटी पेज में मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। यूट्यूब का कम्युनिटी पेज चेक करना मत भूलिएगा, जहां पर पोस्ट वगैरह जाते रहते हैं, जहां पर आप वीडियोस देखते हो वहीं पर कम्युनिटी भी लिखा रहता है। सो कंप्लेन को भी आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने जो कंप्लेन दिया था उस पर कोई एक्शन लिया गया क्या, ठीक है। और ये उसका यहाँ पे क्या है,
यस, ये उसका वहां पे वेबसाइट है. ओके, नेक्स्ट. फूड सेफ्टी कनेक्ट वॉज लॉन्च्ड एज फूड सेफ्टी वॉयस इन द ईयर 2016 में इसका नाम फूड सेफ्टी वॉयस था, लेकिन अभी के टाइम पे इसका नाम है फूड सेफ्टी कनेक्ट. ये दूसरा आप देख लो, इट हेल्प्स द कंज्यूमर्स टू रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स एंड फीडबैक्स अबाउट फूड सेफ्टी इश्यूज रिलेटेड टू एडल्ट्रेटेड फूड. ठीक है, क्या क्या चीज के बारे में आप कंप्लेन कर सकते हो? एडल्ट्रेटेड फूड, अनसेफ फूड, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड फूड, लेबलिंग डिफेक्ट्स इन फूड एंड मिसलीडिंग क्लेम्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटेड टू वेरियस फूड प्रोडक्ट्स. ठीक है, क्लियर गाइस? ओके, समझ गए इस चीज को आप लोग? ओके, कि क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे. जो मान लीजिए लेबलिंग में कोई चेंज है, ठीक है, लेबलिंग में किसी भी तरह का आपको दिख रहा है कि सही नहीं है, या सब स्टैंडर्ड फूड है, मतलब जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं है, या अनसेफ है, या एडल्ट्रेटेड फूड है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? कंप्लेन कर सकते हो. ये अरे हाँ, कंप्लीट. अच्छा, वेबसाइट मैंने यहाँ दे रखा है. अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने वेबसाइट का पिक कहाँ लगाया, सॉरी. ओके, तो इसी के साथ आपका सेशन होता है कंप्लीट. और जैसे ही आप लोगों को पता है, यहाँ पे अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए लेके आ गया है मौका पे मौका सिलेक्शंस. ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आपको 80% ऑफ मिल सकता है. ठीक है, सो आप कोड यूज कर सकते हो Y291. ठीक है, कुछ भी खरीदने के लिए, चाहे बैचेस हो, ई बुक्स हो, एनीथिंग. ठीक है, अब मुझे बताओ किसी भी तरह का डाउट है? 2 मिनट में क्लास एंड करना है, फटाफट बताओ. सर, अगर कोई कंट्री ज्यादा मीठा खाता है तो एक्सपोर्ट्स के समय उनके कंट्री के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा क्या? वो आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है ना. वो मीठा खाते हैं तो क्या हो गया भाई साहब, हमारे प्रोडक्ट में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? ओके, सर, स्टैंडर्ड को नोटिफाई करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल की जरूरत नहीं है क्या? FSSAI itself is a सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है, इसी में जो है सब रहते हैं. आप जो फूड अथॉरिटी रहता है ना, उसके मेंबर्स ने अगर अप्रूव कर दिया देन इट्स डन. ओके, क्लियर गाइस? और कुछ है? ओके, फाइटोसैनिटरी का मतलब होता है किसी भी तरह की सेफ्टी मेजर्स रिलेटेड टू प्लांट्स, जैसे प्लांट के डिजीजेस हो गए, प्लांट में किसी भी तरह का कंटामिनेशन हो गया, उससे रिलेटेड कोई चीज को कहते हैं हम लोग फाइटोसैनिटरी. सर, इन्फेंट फूड प्रोप्रिएटरी फूड में इंक्लूड होते हैं क्या? हाँ, जितने भी स्पेसिफिक फूड हैं, इन्फेंट फूड, मदर हॉर्लिक्स, ठीक है, उसके बाद देखे हो गया आप डायबिटीज के लिए शुगर फ्री हॉर्लिक्स आता है, तो ये सब प्रोप्रिएटरी फूड्स हैं. क्लियर? सो गाइज, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में @3:30. ओके, सो स्टे कनेक्टेड विथ अस. सारे PDFs वगैरह आपको टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएंगे. कल क्या अवेलेबल नहीं हुए थे, आई एम रियली सॉरी, आज वो मैं अवेलेबल करा दूंगा. ठीक है, सो मिलते हैं @3:30 PM शार्प. ओके, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही छोटा सा टॉपिक रहता है जो कि 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, और 10-15 मिनट में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. ठीक है, सो मिलते हैं @3:30 PM. टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ.